हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ब्यूटीफुल सा वेलवेट का ब्लाउज, पैडेड ब्लाउज है। तो उससे पहले हम करेंगे कटिंग। तो इसके लिए आपको ये स्क्रीन पर मेजरमेंट दिख रहे हैं, वही मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं पहले कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं स्टिचिंग करूँगी, तो दोनों वीडियो आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो मैंने शोल्डर 4.75 इंचेस लिए और आर्मोल लिए मैंने 6 इंचेस, और जो दूसरे वाले आर्मोल है वो है 8.5 इंचेस। तो इस तरह से वो नापने हैं 8.5 इंचेस। तो उसके बाद हम नेक लेंगे बैक का, थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने, तो नीचे से मैंने सिर्फ 2.75 इंच का ही नीचे छोड़ा है, और कमर मैंने नापी है 7.5 इंचेस, प्लस 1 इंच मैंने प्लीट्स के लिए लिया है और 2 इंचेस मार्जिन लिया है। मार्जिन को हम ऐसे करेंगे ड्रॉ, तो मटका टाइप शेप है नेक का, तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे मटका शेप, और उसके बाद हम ब्लाउज को कट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो प्लीट्स के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच हाइट ली है प्लीट्स की, और गला जब फूलेगा तो फैलेगा, इसलिए मैंने ऊपर से ऐसे कट लगाया है हाफ इंचेस का ऊपर की तरफ, ताकि बहुत ही अच्छा बैठ सके, क्योंकि गला जब फूलता है तो ज़्यादा वो नीचे लटका रहता है बैक नेक। तो अब हम कट करेंगे फ्रंट साइड का। तो फ्रंट साइड हमारा प्रिंसेस कट है और पैड लगाने वाली हूँ मैं आगे से। तो उसके लिए मैंने एज इट इज़ ऐसे बैक पार्ट को ऐसे छापा है, सिर्फ आय और हुक की पट्टी के लिए हाफ इंचेस छोड़ा था मार्जिन, बाकी एज इट इज़ मैंने आर्मोल ऐसे ही छापे है। तो फ्रंट नेक है वो है 7.25 इंचेस का, थोड़ा सा बड़ा लिया है फ्रंट नेक। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, और राउंड शेप देना है फ्रंट नेक को हमें, कुछ इस तरह से 1 इंच का हमें रखना है गुलाई देने के बाद। वो 1 इंच आप देख सकते हो आ रहा है इस तरह से। तो उसके बाद हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। टक्स पॉइंट निकालने के मैंने 11 इंच का टक्स पॉइंट रखा है, जिसे हम बस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है 3.6 इंचेस यहाँ से। तो हुक का मार्जिन छोड़ के मैंने वो इंचेस लिया है, और नीचे से मैं ऐसे 3 इंचेस पर मार्क करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर एक त्रिकोण बनाना है 3-3 इंचेस का। तो तीनों साइड से हमारा 3 इंचेस ही आ जाएगा वो त्रिकोण, उससे बहुत ही अच्छा हमारा डार्ट आ जाएगा 3 इंचेस का प्रिंसेस कट में, उससे बहुत ही अच्छा फिटिंग बैठता है 3 इंचेस का प्लीट से। तो आप देख सकते हैं त्रिकोण बन गया है 3-3 इंचेस का। तो टोटल 3 इंचेस की हम यहाँ पर प्लीट बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बैठेगा, और उसके अंदर हम पैड भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसे पप शेप बनाना है थोड़ा सा, आप देख रहे हैं मैं जैसा कर रही हूँ। और ऊपर वाली जो डार्ट है तो मैंने थोड़ा सा अंदर लिया है, तो फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा अंदर लेना होता है आर्मोल, तो थोड़ा बढ़ेगा यहाँ पर। तो ऊपर से मैंने टोटल मैं 5 इंच ले रही हूँ ऊपर से। तो ये दोनों लाइंस हमें ऐसे ज्वाइन करनी है, तो 5 इंचेस का यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे दोनों लाइन। तो बहुत ही अच्छा पप आया है यहाँ पर, यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पप आया है, और डार्ट जो बन गई है वो हमारे 3 इंचेस की है। तो दोनों साइड से हमें सेम डिस्टेंस चाहिए, जैसे मैं मेजर कर रही हूँ आप देख सकते हैं, तो मेरा 4.7 आया है। तो अब हम जो कमर है वो नापेंगे। तो कमर मैंने 7.5 इंचेस से, तो मैं इसको ऐसे रखेंगे और 7 पर ऐसे मार्क करेंगे, और 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। तो ऐसे हमें मार्जिन ज्वाइन करना है दोनों का। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन हमें बैक पार्ट का लेना है, तो बैक पार्ट का जितना मार्जिन है हमारा वही हम फ्रंट पार्ट का भी लेंगे मार्जिन। मार्जिन से मार्जिन ज्वाइन करते हुए हम ऐसे कट करेंगे फ्रंट पार्ट को। तो आप देख सकते हैं हमें ऐसे एडजस्ट करना है मार्जिन फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का। ऐसे मार्जिन हमें ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसी में से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे प्रिंसेस कट वाला। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम ऐसे दोनों लाइन हमें ज्वाइन करेंगे फ्रंट पार्ट के। तो उसके बाद हम इसे कट करेंगे, और कट करने के बाद हमें
इसको मेन फैब्रिक पर और अस्तर पर भी कट कर लेना है हमें। तो ये हमारा पेपर कटिंग है, तो उसके बाद हम इसको अस्तर पे कट करेंगे, उसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक बहुत ही अच्छा प्रीटी है, वेलवेट का है, रेड कलर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला पार्ट जो हमें ज्वाइन करना है वहाँ से भी सिर्फ हम आधा इंच छोड़ेंगे, बाकी एज इट इज़ हम कट करेंगे। तो जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर मैंने हाफ इंच छोड़ा है। जो दूसरा पार्ट है प्रिंसेस कट वाला तो वो भी हम सिर्फ आधा इंच छोड़ेंगे, तो वो भी मैंने कट किया है। तो दोनों साइड से हमें आधा आधा इंच छोड़ना है सिलाई के लिए। तो उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट हो गए फ्रंट के, और ये हो गया बैक का पार्ट। ये अस्तर कटिंग है, मेन फैब्रिक पर भी मैंने ऐसे कट किया है और स्लीव्स भी मैंने कट किए हैं। तो स्लीव्स को मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ बाकी का जो पार्ट है उसको ही मैं अस्तर लगाने वाली हूँ। तो हम अब स्टिच कर रहे हैं ब्लाउज, तो बैक पार्ट हम पहले स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने अस्तर ऊपर से रखा है, मेन फैब्रिक के ऊपर से, और एज इट इज़ मैंने नेक को ऐसे स्टिच किया है। उसके बाद हम नीचे से भी ऐसे एक सिलाई मारेंगे, जैसे कट करेंगे। तो हमें नेक भी कट करना है, और नेक फोल्ड करने से पहले हम इसको ऐसे कट्स लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारा फोल्ड हो जाए। उसके बाद हम अस्तर को एक साइड करके स्टिच लगाएंगे। तो ये नेक है, तो अस्तर को और मेन फैब्रिक का जो कट किया हुआ है थोड़ा सा, उसको हम एक साइड करके, इसको हम अस्तर के साइड करके ऐसे इस अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाना है सिलाई, अस्तर के ऊपर लगानी है। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे नेक पर ऊपर वाली। तो उसके बाद हमारा नेक तैयार हो जाएगा, और हमें नीचे से भी सेम करना है। तो मैंने दोनों कर लिया है। अब बारी आती है प्लीट्स की, तो मैंने ऐसा फोल्ड करके दोनों साइड से प्लीट्स लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसको डोरी लगाएंगे। तो बैक पार्ट तो हो गया, अब बारी है फ्रंट पार्ट के। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक है, ये दोनों मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक पर स्टिच करना है, दोनों मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर, और आस्तर को आस्तर के साथ स्टिच करना है। तो दोनों अलग अलग रहेंगे, तो हम आस्तर को पैड्स लगा सकते हैं। तो मेन फैब्रिक हो गया अलग स्टिच करके, और मैं आस्तर कर रही हूँ। तो आस्तर को भी हमें ऐसे स्टिच करना है, और हमें ऐसे उल्टा करना है, सिलाई की बाजू हमारी अंदर तरफ आ जानी चाहिए। तो पैड को हमें ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद वहाँ पर सेंटर को एक निशान लगाना है इस तरह से, और उसके टक करना है सुई और धागा से। तो टक करने के बाद हमें दोनों साइड से ऐसा करना है, अस्तर को दोनों साइड के पैड हमें लगा लेने हैं, और अस्तर को हमें इसे नीचे रखकर और मेन फैब्रिक ऊपर रखकर हमें चारों तरफ से ऐसे स्टिच करेंगे। तो ये बिल्कुल पैक हो गया है एक पार्ट। अब हम कमर को ऐसे थोड़ा सा अस्तर लेकर, एक इंच का अस्तर लेकर ऐसे बंद कर देंगे, उसे बाद में मैं हाथ सिलाई कर दूंगी। तो ये हुक वाली पट्टी भी मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद हमारा ब्लाउज एक पार्ट तैयार हो जाता है। तो दोनों पार्ट हम सेम इसी तरह से तैयार करेंगे, और गले को हम पाइपिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने मेन फैब्रिक फोल्ड करके लिया था, एक तिरछी पट्टी है 1 इंचेस की। तो मैं नेक को पाइपिंग कर रही हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट हुआ है, क्योंकि मुझे कटिंग का और स्टिचिंग का एक ही वीडियो में बताना था, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा फास्ट किया है वीडियो, स्टिचिंग का, कटिंग का नहीं है फास्ट। तो आप देख सकते कितना अच्छा पप आया है एक साइड का। तो दोनों साइड से सेम हमें इसी तरह से करूँगी मैं। तो दोनों साइड तैयार होने के बाद हम जो बैक पार्ट है वो लेंगे, और उसको पहले ऐसे लटकन लगाएंगे। ये टेसल्स है, तो मैं फैब्रिक के मैंने बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत प्रीटी और बहुत ही सॉफ्ट है इसका मटेरियल। तो मैंने ऐसे 3 लगाए हैं, और लेस भी लगाई है बैक पार्ट को। तो लेस मैंने ऑफ कैमरा लगाई है, तो क्योंकि मुझे इसमें बहुत वक्त लगा लगाने में। तो हम बैक पार्ट में भी ऐसे लेस लगाएंगे, और स्लीव्स को भी जो रहता है हमारा बॉटम, वहाँ भी हम लेस लगाएंगे मनी वाली। तो हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ऐसे
ज्वाइन करेंगे शोल्डर। तो मैंने ये क्या किया है, बैक पार्ट को ऐसे लिया है और मेजरमेंट करके लिए है 7.5 इंचेस कमर का, और हमें ऐसे आर्म होल नापने हैं 8.5 इंचेस। ये बैक के है और फ्रंट के भी हमें सेम इसी तरह से करना है, कमर मेजर करना है 7.5 और आर्म होल भी हमें ऐसे नापने हैं इस तरह से, और ऐसे निशान लगाने हैं दोनों साइड से। तो उसके बाद हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ऐसे निशान से निशान मिलाकर पहले हम मिडल का मिलाएंगे और बाद में ऐसे साइड का मार्जिन वाला। तो उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमें बाहर निकला हुआ था, तो मैंने उसे कट कर दिया है फ्रंट का, तो मेरा फ्रंट का थोड़ा बाहर निकलता था। आपका चाहे आर्म होल की तरफ से निकले या मार्जिन की तरफ से निकले, आपको वो कट करना है, तो उसके बाद बहुत ही इधर उधर नहीं भागता है आर्म होल का, और कहा बड़ा छोटा हो रहा तो कट कर सकते हैं आप। तो अब मैं स्लीव्स तैयार करके ले रही हूँ, तो स्लीव्स को भी मैंने ऐसी लेस लगाई है नीचे से, और जो बैक पार्ट के उसको भी बाद में मैं लेस लगाऊंगी, नेक है वो, तो मैं पहले स्लीव्स अटैच करके ले रही हूँ। तो स्लीव्स को मैंने अस्तर नहीं लगाए नीचे से, मैंने सिर्फ अस्तर की एक पट्टी लगाई है, जैसे हाथ सिलाई करते हैं पट्टी को, वैसे मैंने स्लीव्स को किया है नीचे से। तो ऐसे हमें डबल सिलाई लगानी है स्लीव ज्वाइन करते हुए। तो स्लीव ज्वाइन करने के बाद हम गुम सिलाई लगाएंगे एक साइड, तो एक साइड मैंने गुम सिलाई लगाई, तो स्लीव्स को भी हमें लगाना है। और ये है फिटिंग वाली सिलाई, तो जहाँ पर हमने मार्जिन रखा था वहाँ पर हम तीन बार हम ऐसे स्टिच करेंगे। तो ये फिटिंग का भी हो गया, तो दोनों साइड से हमें सेम इसी तरह से करना है, और उसके साथ हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी होता है पहनने के लिए। बहुत ही प्रीटी और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था और बहुत अच्छा दिख रहा था, तो ये दे सकते हैं फाइनल लुक। तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट बहुत ही नए नए वीडियो आने वाले हैं। तो स्टे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड